हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ए न्यू टॉपिक दैट इज़ वाटर पोल्यूशन लास्ट वीडियो में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी कर लिया था आज जो है हम वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे तो वाटर पोल्यूशन भी जैसे कि एयर पोल्यूशन इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे ही वाटर पोल्यूशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है बट एक बहुत ही डीप और सीरियस जो है मतलब इफेक्ट है इसका हमारी एनवायरमेंट पर तो थोड़ा गलत भी है वाटर पोल्यूशन बहुत ही जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इसको कम करना चाहिए किसी भी तरह से बिकॉज वी आर यंग जनरेशन सो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि uh, जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ इनका आ, इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है जिस वजह से बहुत सारे जो है स्टूडेंट मेरे को बोलते रहते हैं कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अगर आप चाहो तो मैं टेलीग्राम पे भी आ, इनकी जो है एक पीडीएफ डी बना के नोट्स की सेंड कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो वो चैनल आ, सर्च कर लेना टेलीग्राम पर अगर आपको वो नोट्स मिल चाहते हो आप तो मैं वहाँ पर इनको अपलोड कर सकती हूँ एक पूरी पीडीएफ बना के या फिर टॉपिक वाइज जो है शॉर्ट नोट्स मैं वहाँ पे वो स्कैन करके डाल दूंगी तो आप एक बार चेक कर लेना अभी तो नहीं जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके एक दो दिन बाद में आपको डाल दूँगी ये तो आज जो है हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन और जैसे कि कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज अगर वो एयर में होता है तो इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन इसी तरह अगर वो अनडिज़ायरेबल चेंज जो है वाटर में हो रहा है जो कि वाटर को अनफिट बनाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो हम बोल सकते हैं कि वो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और ऐसे पॉल्यूटेंट जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं तो वो वाटर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं लाइक like, अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते बात करते हैं या हम हॉस्पिटल से निकलने वाले किसी भी तरह के हजारियज जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं तो जब वो वाटर में मिक्स होते हैं तो दे डेफिनेटली क्रिएट वाटर पोल्यूशन सो एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज़ वो चाहे किसी भी तरह की इम्प्योरिटी हो इट रिलेटेड विद एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक विब्रियो कॉलेरा जो कि अगर वाटर में होता है तो इट लीड्स टू कॉलेरा डिजीज़ सो तो ये सब जो है वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई ऑर्गेनिक चीज हो गई जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाला पेपर है कुछ भी ऐसा इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो सीधा डायरेक्ट वाटर में रिलीज कर दिया जाता है तो वो वाटर पोल्यूशन को जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत ही सीरियस इफेक्ट है इसको रोकने के लिए 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इन 1974 याद रख लेना तो इसके मेन सोर्सेस क्या हैं जैसे अभी मैंने बताया इट कैन बी इंडस्ट्रियल वेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट डोमेस्टिक सीवेज हाउ कैन एग्रीकल्चर वेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट इसमें जो है जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत तरह की अपनी क्रॉप की वैरायटी को इंक्रीज करने के लिए या क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर जो होते हैं बेसिकली यूट्रोफिकेशन की तरफ लीड करते हैं जो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे की तरफ पढ़ेंगे कि वट इज़ यूट्रोफिकेशन बाई मैगनीफिकेशन सो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को लीड करता है जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है और एक तरह की खतरनाक डिजीज क्रिएट करते हैं डोमेस्टिक सीवेज हो गया डोमेस्टिक लाइक like हम घर में हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो भी उनको एज इट इज़ फिकल मैटर्स हो गए ये एज इट इज़ वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं जो कि बहुत सारी डिजीज को क्रिएट करते हैं तो ये सब जो है वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं जिसमें अगर हम हाउस होल्ड सीवेज की बात करते हैं तो जिसमें हाउस होल्ड से निकलने वाला जितना भी प्रोडक्ट होता है उसमें नाइन नाइन पॉइंट नाइन परसेंट जो होता है बट उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वन परसेंट इंप्योरिटीज होती है जो कि वाटर को अनफिट बनाती है फॉर द कंजप्शन सो जीरो पॉइंट वन परसेंट इंप्योरिटी क्या क्या हो सकता है इट कैन बी सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सस्पेंडेड पार्टिकल और कैन बी डिजॉल्ड इन वाटर लाइक अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में जो भी आ, बड़े पार्टिकल्स होते हैं हाउस होल्ड से निकलने वाले तो वो वाटर को इम्प्योर कर रहे हैं अगर सस्पेंडेड की बात करते हैं तो वो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं लाइक like फिकल के डब्रीज हो गई हैं ये सब सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जो वाटर कॉन्फर्ट बनाते हैं अगर डिसॉल्व की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से और इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो सकते हैं लाइक बहुत ज्यादा Na पॉजिटिव ये इस तरीके के जो आयंस होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं जो वाटर को कंजम्पशन के लिए बहुत ही ज्यादा खराब बना देते हैं और वाटर को पोल्यूट कर देते हैं अब एक प्योरिटी uh, इंडेक्स जो है वाटर का वो किस चीज़ से मेज़र किया जाता है देखो हम uh, कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो उसका एक प्योरिटी इंडेक्स होता है मतलब कि वो कितना प्योर है किस लेवल पे प्योर है उसको किस तरीके से मेज़र किया जाता है इसी तरह हम वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा प्योर है अगर uh, उसकी प्योरिटी को हमें मेज़र करना है दैट देन इट वॉज मेजर्ड बाई ऑक्सीमीटर जो कि एक डिवाइस होता है इसे हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि हमारा जो वाटर हम ले रहे हैं वो कितना ज़्यादा प्योर है उसमें कौन सी

लेवल uh, दिया भी हुआ है कि अगर एट मिलीग्राम पर लीटर से कम है डिज़ोल्ड ऑक्सीजन तो हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है बट एक लेवल तक पॉल्यूटेड है अगर डिजोल्ड ऑक्सीजन का लेवल जो है वो फोर मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो गया तो वो हैवेली पॉल्यूटेड है मतलब अगर वाटर में डिजोल्ड ऑक्सीजन जो है उसका लेवल कम होता जा रहा है तो मतलब हमारा वाटर जो है वो टोटली पोल्यूटेड होता जा रहा है तो इसीलिए डिजोल्ड ऑक्सीजन इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलूशन जितनी कम डिजोल्व ऑक्सीजन उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर अब ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशो है और यहाँ पे एक चीज लिखी है दैट इज बीओडी बीओडी बी रेफर्स टू द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है देखो बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब हुआ अगर वाटर में जो है वेस्ट ज़्यादा हैं तो उन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे एग्री तो जिस तरीके से अगर हम किसी जगह मतलब अगर कोई चीज़ को वेस्ट है कोई चीज़ और उसको कंजप्शन किया जाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसको कंज़प उसका कंजप्शन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आ, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वाटर की वो बढ़ जाएगी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जितना ज्यादा वाटर में ऑक्सीजन की कमी होगी वो ये डिफाइन करता है कि वो वाटर उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है क्योंकि जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे उस पॉल्यूटेड वाटर को क्लियर करने के लिए उन ऑर्गेनिक डाबरीज को डिकम्पोज करने के लिए उन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो डजेंट मैटर तो वो

विद हेल्प ऑफ चार्ट तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक पॉइंट है ये दिस इज द पॉइंट वाई एक्स इज रिप्रेजेंट कंसन्ट्रेशन एंड एक्स एक्स इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज एंड दिस इज़ कंसन्ट्रेशन की यहाँ पर डिजॉल्ड ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कितनी है तो जब स्टार्टिंग पॉइंट था उस टाइम पर क्या किया हमने यहाँ पर सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया सीवेज जब uh, डिस्चार्ज किया गया तो यहाँ पर डिजॉल्ड ऑक्सीजन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वाटर में मान लो हमने एक एरिया चूज़ किया एक वाट एक्वेटिक इन्वायरमेंट चूज़ किया वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है वो वाटर अब हमने एक पॉइंट पे उसमें डिस्चार्ज कर दिया सीवेज का तो क्या होगा सीवेज डिस्चार्ज में बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटीरियल होगा पोलिटेंट्स poly, होंगे अब जैसे ही भी वो इस पॉइंट पर डिस्चार्ज किया स्टार्टिंग में एकदम से वहाँ पर डिजॉल्ट ऑक्सीजन ज़्यादा थी डिज़ोल्ट ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा थी और लेकिन वहाँ पर जैसे ही हमने सीवेज को डिस्चार्ज किया तो वहां पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पर इंक्रीज हो गई क्यों क्योंकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सीवेज डिस्चार्ज पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है अब उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो जैसे ही वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हुआ जहाँ पर हमने डिस्चार्ज किया वहाँ पर वाटर बहुत पॉल्यूटेड हुआ वहां पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो डिजॉल्ड ऑक्सीजन पानी में बहुत कम हो गई तो यहाँ पर ये जो एक्सीज है

जैसे ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हुई तो ने ऑक्सीजन को यूज़ करना बंद कर दिया तो वॉटर के अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सेकंड वन इज डिजोल्ड ऑक्सीजन और एक्स एक्सिस बता रहा है कि जैसे जैसे सीवेज जो है, कम होता जा रहा है पानी के अंदर वैसे वैसे डिजोल्ड ऑक्सीजन बढ़ती चली जा रही है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होती चली जा रही है लेकिन एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ सीवेज वहां पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है और डिजोल्ड ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो ईच अदर लाइक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आर प्रोपोर्शनल टू तो द डिजोल्ड ऑक्सीजन तो ये एक टॉपिक है वाटर पोल्यूशन का जिसमें मैंने आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है वो बता दिया है डिजोल्ड ऑक्सीजन से किस तरीके से रिलेटेड है वो बताया है किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वाटर को पोल्यूट कर रही हैं ये सब मैंने इसमें आपको बताया है अगेन एनसीआरटी जरूर पढ़ लेना अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अच्छा टॉपिक है मजे से पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू फ्रेंड्स